चाहता हूँ एज अ शेरीफ ऑफ मुंबई डॉक्टर जगन्नाथ राव हेगड़े आई हैव विजिटेड अंटिल नाउ सो मेनी इयर्स नाउ सो मेनी आई हैव विजिटेड हंड्रेड्स ऑफ एग्जीबिशंस बट दिस इज द वन एग्जीबिशन आई एम फाइंडिंग वेयर ऑल द आर्टिस्ट वेयर हैव कम हियर मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द आर्टिस्ट दे हैव गॉट अ पैशन अबाउट द आर्ट आई थिंक दे हैव डन नॉट फॉर द मार्केटिंग दे हैव नॉट डन फॉर द सेलिंग द वर्क दे हैव जस्ट कलेक्टेड with the passion, with the art of love, and they want to do something, they want to relax themselves, which I like maximum, and I appreciate that today, the exhibition which was organized by Deepak Jadhav with the Maharashtra Art Foundation is something fantastic. And practically everybody, I tell you, 80%, 90% of people, they are the really true artists, they are the true lovers, art lovers, and that's why we like more. Of course, with this, with the art loving, if they start the marketing also slowly, that will be still good, I tell you. Wonderful, there's no question about it. But then today's exhibition was something good, I tell you, something I put in this thing, and we are really liked it, and I appreciate, and I give the best of wishes for everybody, the new artists who have come, all the best for them. Thank you. यहाँ पे काफ़ी काम इतने अच्छे हैं कि फेवरेट का तो मुश्किल है बोलना मुझे फिर से आना पड़ेगा मैं जरूर आऊँगा फिर से क्योंकि इतना देखने लायक है यहाँ पे मुझे फिर से एक ट्रिप मानना ही है यहाँ पे तो दो तीन मे बी टू टाइम्स आई विल कम हियर क्योंकि एक साल या दो साल में इन्होंने इतना बढ़िया काम किया तो अगर बचपन से वो लोग करते तो कितना और हो सकता था पोटेंशियल बहुत है और मैं ज़रूर इनसे मिलूँगा आर्टिस्ट से और प्रोत्साहन दूँगा थैंक यू दो तीन लोगों को छोड़ा तो मैक्सिमम आर द लॉयर आई टी सी इंजीनियर देन केमिकल इंजीनियर दीज पीपल आर देयर एंड दे आर फर्स्ट टाइम so many people are first time in the painting kitu so the greatness mujhe first time idhar bhi nahi laga it's a fantastic work and bahut sara main to pura meditation mein gaya and jo bata rahe the meditation mein gaya spiritual mein gaya so this they have a power of this picture and their imagination to go to the some alag extension pe leke gaya main that is a greatness क्या बात कर आप मुझे बोले मैं आ जाऊँगा तभी उसका वैल्यू होता काम का जब आप पूरी मेहनत से काम कर और हर किसी के लोग हैं इस आर्ट एग्जीबिशन में जरूरी हो लायर है वो आर्ट काम नहीं कर सकता कोई प्लेयर है कर सकता है मैं अपने आप को देख रही थी कि मैं खुद एक प्रोफेशनल जो काम में 24 आवर्स हर कोई इसमें और ऐसा लगता है कि अपने को मेडिटेशन की जरूरत होती है अपने को किसी से बात करने के लिए कुछ बातें होती हैं हम लोग नहीं कर पाते लेकिन जो कला होता है कला वो संगीत हो या पेंटिंग हो जो भी जिस प्रकार के कुछ चीज़ें बनाने की होती है हैंडीक्राफ्ट हो हर आदमी के अंदर एक कला होता है और उसने उसके लिए टाइम निकाला जैसे हम लोग इसके लिए टाइम निकालते उसके लिए निकालते तो हम अपने लिए खुद के लिए जब टाइम निकालते हैं ना वो उसमें से जो कला आती है ना वो एक्चुअल कला होती है और वो हर आदमी ने उस पर फोकस करना चाहिए एटलीस्ट एक घंटा दिन का ब्यूटी पार्लर में या उसमें जाके स्पेंड करना चाहिए आप पेंटिंग बनाओ संगीत सीखो डांस करो यू नो तो वो ज़्यादा अच्छा है मुझे आजकल के कंप्यूटर और डिजिटल वर्ल्ड से बाहर निकल फल दीपक कला फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद है और उनको
बहुत शुभकामनाएं। मराठी में बात करना चाहूंगी बिकॉज हे जे पूर्ण पेंटिंग्सचं जे एक्झिबिशन आहे त्याची खासियत इथे म्हटलं तर एका कलाकारांनी म्हणजे आर्टिस्ट जे असतात म्हणजे पेंटर्स असतात ते तर कला त्यांची सादर करतात आणि त्यांच्याकडून चांगलं काम होतंच, पण इकडचं जे वैशिष्ट्य आहे की जे प्रोफेशनलच आहेत ॲडव्होकेट आहेत किंवा इतर फील्डमधले प्रोफेशनल्स आहेत आणि त्यांच्याकडून एवढं उत्तम काम होणं म्हणजे हे खरंच सरप्राइझिंग आहे आमच्यासाठी। आणि म्हणजे मला विशेष करून ते घोड्यांचे जे पेंटिंग्स त्यांनी ते इतकं सुंदर आहे म्हणजे त्याचे जे स्ट्रोक्स आहेत ते इतके सुंदर आहेत की मी म्हणजे मला इथे आज ह्यांनी दीपक सरांनी बोलवलं याच्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद मी मानू इच्छिते, कारण एवढं सुंदर काम मला बघायला मिळतं आहे। बेसिकली मी स्वतः आर्टिस्ट असल्यामुळे त्यांचं जे एक्सप्रेशन म्हणजे प्रत्येक माणसाने जे एक्सप्रेस केलं आहे ते मी जास्त रिलेट करू शकते आणि त्यांची ही जी काम करण्याची जी पद्धत आहे ती मी तशीच कंटिन्यू करावी आणि वेळात वेळ काढून हे अशा कलाकृती घडवत राहाव्या असं मी त्यांना आवाहन करते आणि त्यांना ऑल द बेस्ट म्हणते। दीपक सरांचे पण खूप खूप धन्यवाद। सर ये मार्क आर्टी का हमारा दूसरा साल चल रहा है और दूसरा 2019 में हम लोग शो किया था मार्क आर्टी, उसको अच्छे सक्सेस में मिला था। बाद में कभी मैं सोचा कि आर्टिस्ट जितने भी है जो प्रोफेशनल, लेकिन बाकी को कि जिसको हॉबी उनको कोई चांस देता नहीं है, तो मैंने वही सोच के उनको कह दिया हूँ हॉबी को लोगों में चांस दिया था क्योंकि इसमें एडवोकेट है, इंजीनियर है और अपना वो अपना बैंकर्स है और सीए भी है उसमें से, ये सबको मैं हैंडल करके वो एग्जीबिशन कर रहा हूँ। अब ये अपना इसमें जो सेल होता है उसमें 10% में वो अनाथ आश्रम को देने की सोच रहा है कि मेरा एम जो ये है। कब तक चलेगा ये? 13 से 19 तक शो चलने वाला है, आज से शुरू हो गए 19 तक मंडे तक चालू रहेगा। कितने आर्टिस्ट है? अलग 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 जितनी प्रोफेशनल आर्टिस्ट अलग अलग है सर। नहीं नहीं सेम 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 पेंटिंग सेम साथ में वही दिखने मिलेगा। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका नेक्स्ट एग्जीबिशन कब लगने वाला है? नेक्स्ट एग्जीबिशन हमारा नवंबर में होने वाला है, 22 नवंबर में डॉक्टर अशोक में कर रहे हैं, 22 नवंबर से 28 नवंबर तक। मैम का कितना कोऑपरेट मिला आपको? काफ़ी, क्योंकि उन्होंने पूरा मीडिया के लिए और अपने जो जितने पार्टनर ने हम लोग ने किया उनके थ्रो काफ़ी उनको चांस मिला और उन्होंने इतना हेल्प किया उनके महाराष्ट्र के लिए, उनको सबको हैंडल किया, सबसे ज़्यादा उनकी मुलाकात हो गई और उनके लिए हमारा ब्रांडिंग उनका ने अच्छा किया। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो सारे आर्टिस्ट, मैं उनको अलग प्रोफेशनल नहीं बोलूँगी, आर्टिस्ट ही है वो मन से, और उनसे ज़्यादा अभी उम्मीदें हमारी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि वो अच्छा अच्छा काम हर साल हमें देखने को मिलने वाला है। मेरा नाम है वंदना मयेकर और मेरे बिजनेस का नाम है स्वरूप समर्थ आर्ट एंड क्राफ्ट, और यहाँ पे मैंने पेंटिंग लगाई हुई है, उसमें एक्रिलिक पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है एंड वॉटर कलर के। नमस्कार, माझं नाव सुजाता अजय जाधव। जे पेंटिंग आता दिसत आहेत बाकी माझ्या, हे माझ्या मिस्टरांचं पेंट, त्यांनी काय ड्रॉ केलेलं पेंटिंग आहे, त्यांचं नाव आहे अजय बबन जाधव। हे पेंटिंग आहे, हे नेहरू सेंटर गॅलरीमध्ये आहे, हे आज 13 सप्टेंबरपासून नेक्स्ट वीक 19 सप्टेंबरपर्यंत आहे, तर कृपया तुम्ही व्हिजिट करा आणि ह्या पेंटिंगचा आनंद उपभोगा। चाली हॅलो, नमस्कार सगळ्यांना, माझं नाव वैशाली, ही माझी पेंटिंग्ज आहेत सगळी। मी फर्स्ट टाईम अशा प्रकारच्या एक्झिबिशनला भाग घेते आहे। मी CCA आहे खरं म्हणजे, आणि माझं सगळं काही टॅक्स आणि ह्याच्याशी माझं असतं संबंध, तर पण पेंटिंग ही माझी हॉबी आहे। मेरा नाम दीप्ती मिश्रा है, मैं मोस्टली सारी ही मीडियाज़ में पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग जो मैं सोच रही हूँ और मेरे आसपास जो मैं महसूस करती हूँ उसको लेकर के पेंटिंग पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है। आप देख सकते हैं मेरी मोस्टली पेंटिंग्स एब्स्ट्रैक्ट पर हैं और नेचर बेस्ड हैं, क्योंकि आप बॉम्बे जैसी सिटी में आप देख रहे हैं कितना शोर, कितना स्ट्रेस लोगों की लाइफ में रहता है,
उससे इंस्पायर्ड होकर के मैंने नेचर बेस्ड पेंटिंग्स बनाई हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट बनाई हैं, सारे ही मीडियाज़ को मैं यूज़ करती हूँ। एक दो इससे पहले एक दो एग्जीबिशंस में मैं और पार्ट ले चुकी हूँ। माय नेम इज़ प्रदीप सवान। ये पेंटिंग का सीरीज़ मैंने डांस फॉर्म में किया हुआ है। ये इंडियन क्लासिकल एक पेंटिंग है, एक नटराज किया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग नटराज का किया हुआ है, बाकी वेस्टर्न सोलो डांसर्स है बैले डांसर्स की तौर पे, और एक स्वच्छंदी करके एक पेंटिंग किया है मैंने। ये सिर्फ डांस फॉर्म मुझे प्रोजेक्ट करना था, इसके लिए मुझे डांस फॉर्म में एक्रेलिक पेंटिंग्स की हुई है मैंने। हिज पेंटिंग्स आर हिज हॉबी, एक्चुअली बाय प्रोफेशन ही इज एडवोकेट, बट ही इज डूइंग हिज पेंटिंग्स एज हिज हॉबी एंड दे आर सो स्प्लेंडिड that first time he got the opportunity to place these paintings before the public. I'm very happy for him. Indra Panjaisen Dere. हाँ, मैं जो गांव में जाता हूँ, जहाँ भी वहाँ घूमने जाता हूँ, मेरा स्केच बुक हमेशा साथ में रहता है। जो कुछ मैंने स्केचेस किया वो यहाँ मैंने लगाया है वहाँ। मेरा नाम जीत अश्विन गाला है और मैं एक मुंबई बेस्ड आर्टिस्ट हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा ये सेकंड ग्रुप शो है एंड इसके पहले मैं दो सोलो शो भी कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग वन जो बजाज आर्ट गैलरी में था एंड प्री कोविड जो यहाँ नेहरू सेंटर पे मैंने सोलो शो किया था। एंड जैसे कि मेरे हर पेंटिंग का थीम वही है कि जर्नी थ्रू नेचर। आज माय नेम इज़ राखी शाह एंड आई एम एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट फॉर द लास्ट 30 इयर्स। आई हैव हैड 70 प्रेस्टीजियस एग्जीबिशंस इन यूके and some in Bombay, and I've entered the Limca Book of Records, officially breaking our records over the world. I've donated 1,065 paintings all around the world. I've tried to portray people from different parts of India. So if you see that they're all together and they're talking, they're celebrating, so I believe that life is all about people getting together, and nothing was more obvious than COVID to bring us all to this understanding. मेरा नाम सतीश रत्नपारखी है और ये मेरे पेंटिंग्स हैं, ये मोस्टली वाटर कलर है, जो टेक्निक थोड़ा डिफिकल्ट समझा जाता है। और इस टेंटी में मैंने पेंटिंग जो है वो अलग अलग टाइप की बनाने की कोशिश की है। Some of those are cityscape, some are closer to portrait, and some are figurative arts. So, अलग अलग टाइप के और साइज के पेंटिंग है। I am Kamini Mishra. I am a lawyer by profession, but by passion I am an artist. And after fulfilling my duty, I started following my passion. And then this thing is that art should be something that should provoke your senses and evoke a response. It should start some conversation, and my paintings, you can see, they are like that. This is one of my creation, that is dementia. Dementia is it's a disease when people start forgetting things, and nowadays it is in the middle age also people are getting this disease. And you can see the depiction is that like termite is eating up your brain, and the words are depicting the memories, and the person himself does not know that he is losing memory. He thinks everything is just fine, but people know that he is not getting the full picture. So my name is Disha. Meri paintings bahut alag type ki aur varying arts aur artifacts mein hai. Some are in oil, some are in acrylic, some are mixed media. They all express something. You'll obviously see that what is the artist going to be displayed, what is going on her mind and her mindset. Some are of waters, some are inspired by nature. There is some are inspired by architecture studies and the movement which I have studied throughout my college. So this. Namaste. मेरा नाम सुभाष गोंधळे है और ये जो यहाँ पे जो पेंटिंग प्रदर्शित हुई है वो मेरी इवोल्यूशन सीरीज की पेंटिंग्स है और लास्ट 40 इयर्स आई एम डूइंग पेंटिंग और यहाँ पे एक हफ्ते के लिए ये शो महाराष्ट्र आर्ट फेयर करके एक हफ्ते के लिए शो है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। मेरा नाम पूनम सिंह है और मैं महाराष्ट्र आर्ट फेयर में
अपनी दो पेंटिंग लगाई हूँ जिन कॉन्स सीरीज पे हैं, द अवेकनिंग और द पावर ऑफ हार्मोनी। द महाराष्ट्र आर्ट फेयर 13 से 19 तक है और हम आशा करते हैं कि ये शो सबको पसंद आएगा। और मेरा नाम तापस माइती। अच्छा, मैं एक्चुअली हॉर्स पेंटिंग के ऊपर, हॉर्स के ऊपर मैंने पेंटिंग बनाया, तो हॉर्स मेरा इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ फोर्स एंड एनर्जी मैं दे सकता हूँ इसमें, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ वही चीज़ सबको पसंद आए।